हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। हम दोबारा से खेलने का वाले हैं गाइस एमपीएल पर पूरमी। एंड गाइस, ये गेम प्ले मेरे की तरह काफ़ी इंटेंस होने लगा हूँ कि यहाँ पे हम ओनली 8 राउंड में इन तीनों प्लेयर को एलिमिनेट करके इजी विनर बनने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जो कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके, सो गाइस बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। तुम्हारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कितने ओपी कार्ड हैं, मतलब कि हमको जो है ना ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। ओके, जे पिक कर लेते हैं एंड डायमंड में 3 डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि इस बंदे ने ओपन डेक से डायमंड में 3 पिक किया था। ओके, वैसे अगर इस बंदे की प्योर से कोई रेंज नहीं ना हुई तो गाइज मज़ा ही आ जाएगा। ओके, 8 8 के साथ डिक्लेयर हो जाएगा क्या? नहीं नहीं डिक्लेयर नहीं होगा, फिर भी हमको सिंगल कार्ड चाहिए होगा। ओके भाई, क्लब 6 है, सीसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब मुझे डाउट था ये बंदा पिक कर सकता क्योंकि डबल था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चलो बढ़िया गाइज। ओके भाई, अगेन हर्ट 8 एंड गाइज हमारे पास देखो हर्ट 5 आया। चलो मैं इस बार अगेन 6 को डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते इस बंदे को ओपन ऐसे कार्ड पिक करे ये बंदा। डायमंड 8, क्लब किंग गाइज अभी भी डिक्लेयर होने वाला, मतलब हमको यहाँ पे सिंगल कार्ड चाहिए था। कहाँ पे देख रहे, इतनी टर्न लग चुकी है और इस बंदे ने ओपन ऐसे भी कार्ड पिक कर लिया। अब मुझे सिंगल कार्ड चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टर्न देखो भाई कितनी लग चुकी है। अब हर्ट 10 के साथ डिक्लेयर नहीं होगा अभी भी। ओके भाई 3 है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ गाइस, मुझे तो लग रहा है कि ये बंदा ही डिक्लेयर करेगा। हमको ओनली सिंगल कार्ड चाहिए जो कि आ ही नहीं रहा भाई, क्या ही करें अब। और देखो भाई इस बंदे ने हर्ट 5 को पिक कर लिया, और देखो भाई क्लब 9 डिस्कार्ड कर रहा है, और भाई देखो 8, मतलब यूजलेस कार्ड आए जा रहे हैं भाई, क्या ही बोलें गाइस। इतने भी यूजलेस कार्ड आ सकते हैं क्या? मतलब देख सकते हो हमको ओनली सिंगल कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए, और कहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे आई थिंक 8 से 9 टर्न लग चुकी हैं। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कि यही बंदा डिक्लेयर करेगा। और देखो भाई इस बंदे ने फाइनली डिक्लेयर कर ही दिया। चलो कोई नहीं, हमारे ओनली 2 पॉइंट लगे हैं। वैसे हम डिक्लेयर करते तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट होता। देखो गाइस इस बंदे ने किंग के साथ प्योर सिक्वेंस रैंक की थी। चलो कोई नहीं, इसको एलिमेंट तो होना ही पड़ेगा, कब तक सर्वाइव करेगा बेटा, बिना तो हम ही बनेंगे। सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इस बार गाइस हमारे पास देख सकते हो इतने इनवैलिड कार्ड हैं कि क्या ही बोलें भाई। 10 का सेट रेंज हो सकता है, लेकिन 10 का सेट का क्या ही करेंगे। देखो गाइस इस बंदे ने 5 के साथ सेकंड लाइफ रेंज की थी, लेकिन मेन यहाँ पे देखो इस बंदे ने किंग के साथ प्योर सिक्वेंस रेंज की थी। अगर किंग की जगह हमारे पास कोई वैलिड कार्ड आ जाता ना जिससे कि हम थोड़ा फास्टली डिक्लेयर कर पाते, तो शायद ये बंदा जो है ना 60+ पॉइंट से तो लॉस हो ही सकता था, क्योंकि इस बंदे के पास स्मॉल कार्ड थे तो 80 तो पॉइंट नहीं इसके लगते, लेकिन हाँ 60 के अराउंड पॉइंट जरूर लग जाते। सो अगेन गाइस इस बार ये दोनों प्लेयर प्ले कर रहे हैं, कोई नहीं हम करते हैं इसी के साथ पैट्स की, देखते हैं इन दोनों में से कौन डिक्लेयर कर पाता। ओके, सो यहाँ पे गाइस जो है डीलर डिक्लेयर कर देता है, एंड गाइस देखो जो सेकंड राइट प्लेयर होता है इस बंदे के डायरेक्ट 64 पॉइंट लग जाते हैं। और भाई साहब इस पर मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी भाई, इस बंदे के साथ कुछ गलत ही सीन हो गया, मतलब क्या ही बोलें। चलो कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एंड इस बार गाइस हमारे पास कार्ड तो वैलिड हैं, लेकिन अगर प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं हुई तो गलत सीन हो जाएगा, लेकिन लकली गाइज हमारी जो है ना क्लोडस से प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती है। सो हम डिस्कार्ड कर देते हैं किंग को। वैसे हमको डिक्लेयर करने के लिए सिंगल तो नहीं 2 वैलिड कार्ड चाहिए वैसे, पर हमारे पास जोकर एक्स्ट्रा यानी कि उसके बाद हमको सिंगल कार्ड चाहिए होगा। ओके भाई वाह गाइज जोकर आ चुका है, सो 2 डिस्कार्ड करूँ या फिर 6। अब मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ कि कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 2 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते ये जो बंदा ओपन ऐसे कार्ड पिक करे, क्योंकि इस बंदे ने 6 भी डिस्कार्ड किया था ना, लेकिन भाई देखो इसने 5 डिस्कार्ड किया और 64 पॉइंट बंदा 5 ही पिक कर लेता है। अब हमने 2 डिस्कार्ड किया तो मैंने इसी वजह से डिस्कार्ड किया कि बंदा कोई गलती करेगा, लेकिन ये बंदा देखो ओनली इनवैलिड कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है, लेकिन लकली गाइज हमारे पास जो है 5 आ जाता है। सो हम 6 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। आई थिंक जो लेफ्ट प्लेयर है ना ये बंदा हाईएस्ट पॉइंट से लॉस हो सकता है,
क्योंकि गाइज हमने इस बंदे को एक भी ओपन ऐसे कार्ड पिक करने नहीं दिया। सो देखते हैं गाइज कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। ओके भाई ये बंदा जो है 39 पॉइंट से लॉस हुआ है, लेकिन डीलर जो है ये बंदा 16 पॉइंट से लॉस होता है। चलो बढ़िया गाइज, इन दोनों बंदों के हाईएस्ट पॉइंट लग चुके हैं। वैसे जो सेकंड राइट प्लेयर से बंदे के पास ओनली सिंगल टाइम ड्रॉ करने का ऑप्शन, और हमारे देख सकते हो सबसे डाउन पॉइंट हमारे ही हैं। सो इस बार तो गाइज हमारे पास कार्ड थे नहीं, सो हम ड्रॉ भी कर देते हैं। एंड गाइज देखो इस बंदे को डिक्लेयर करने के लिए 2 वैलिड कार्ड तो नहीं बोलूँगा, 3 वैलिड कार्ड चाहिए थे क्योंकि 3 डबल था। ओके इस बंदे के 39 पॉइंट लगे, इसको भी काफ़ी वैलिड कार्ड चाहिए थे। चलो बढ़िया। सो यहाँ पे गाइज जो है डीलर डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पे तीनों प्लेयर एक्टिव थे जिस वजह से बंदे पॉइंट डाउन कर लेते हैं। टर्न काफ़ी लगी थी, देखो जिस बंदे के 80 पॉइंट लगे हैं उसके ओनली 7 पॉइंट लगते हैं, और जो हमारे लेफ्ट हैं बंदा बैठा है इस बंदे के ओनली 12 पॉइंट लगते हैं, 13 आई थिंक। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। इस बार गाइज हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेंज होने के बावजूद भी पॉइंट देख लो हमारे कितने, मतलब के 44 पॉइंट हैं इस बार। तो भाई 72 पॉइंट वाला बंदा ही प्ले कर रहा है, ओ भाई 60 पॉइंट वाला बंदा ही प्ले कर रहा है। सो इस स्टेप पर मुझे लग रहा था कि मुझे ड्रॉप ही करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मिनिमम टर्न लगती हैं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं प्ले करने अब लग जाता हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब रिस्क लिया भाई, या तो हम 20 से कम पॉइंट डाउन कर पाएंगे या फिर हमारे 40 पॉइंट लग जाएंगे। अब मैंने जे से वैसे पिक किया था, अब फ्यूचर में हमारे पास जो है अगर जो राइट प्लेयर ये बना अगेन जे डिस्कारेगा तो हमारा सेट रेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे पास लोडे से जे आ गया तो हमारा फिर भी सेट रेंज हो सकता है। सो हमने आइडिया तो यही लगाया था, क्या पता ये बंदा किंग भी डिस्कार्ड कर दे, काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं। ओह भाई क्लब किंग डिस्कार्ड किया। एंड गाइस हमारे पास लक के लिए जो है ना डायमंड 8 आ जाता है, सो इसी के साथ हमारी सेकंड लाइफ रेंज हो जाती है। सो हम डिस्कार्ड करेंगे कमीन, ये तो डिस्कार्ड नहीं करेंगे क्योंकि इस बंदे ने ये स्पीक किया था। ओ भाई साहब मतलब गलत सीन हो गया, और देखो फाइनली बंदे ने डिक्लेयर कर दिया। अब देखो इस बंदे ने ये स्पीक किया था तो मैं ये डिस्कार्ड नहीं करना चाहता था, क्योंकि हो सकता है इस बंदे को जे की नीड हो और ये बंदा फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस नहीं करके डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन भाई क्या ही बोलें। ओके इस बार जो है ना सेकंड राइट प्लेयर डायरेक्ट एलिमेंट हो चुका है, और देखो भाई इस बंदे ने क्वीन के साथ भी प्योर सीक्वेंस नहीं की थी, अगर हम जे डिस्कार्ड कर देते ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलो कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते गाइस, गलती हो गई। वैसे हमने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया था जिसका हमको ये बेनिफिट मिला। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं, इस बार गाइस हमारे पास कार्ड तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि 9 का सेट रेंज हो सकता है। ओके भाई 2 आया हमारे पास, चलो कोई नहीं मैं किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा भी प्ले कर रहा है 72 पॉइंट बंदा, चलो कोई नहीं प्ले करने देते हैं। ओके भाई 76 पॉइंट बंदा प्ले कर रहा है, चलो बढ़िया भाई किंग के अकॉर्डिंग किंग ही रिटर्न में दिया। ओके गाइस हमारे पास जो है एस आ चुका, चलो इसी के साथ हमारी सेकंड लाइफ रेंज हो चुकी है। सो मैं हर्ड 2 डिस्कार्ड कर देता हूँ, अब पिक होने के चांसेस तो थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ओ भाई 9 डिस्कार्ड कर रहा है बंदा, उस बंदे ने पिक कर लिया। अब मैंने 2 इस वैसे डिस्कार्ड किया था, बंदा 7 डिस्कार्ड करे कोई वैलिड कार्ड डिस्कार्ड करे, लेकिन हमारे पास भी मतलब के वैलिड कार्ड आ चुका है। सो मैं सोच रहा हूँ कि एस डिस्कार्ड कर देते हैं, वैसे सेकंड लाइफ ब्रेक हो जाएगी बट 2 का सेट भी रेंज हो सकता है। अब कोई समझ नहीं आ रहा कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करूँ, लेकिन यहाँ मैं क्लब 7 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि ये बंदा क्लब 7 का साथ सीक्वेंस रेंज कर लेता। अब क्या ही बोलें भाई, हर्ट कभी इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब मैंने सेकंड लाइफ ब्रेक इस वजह से नहीं की, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना बंदे थोड़ा फास्ट ही डिक्लेयर करें तो हमारे थोड़े हाईएस्ट पॉइंट भी लग सकते हैं, मतलब कि हमारे जो है 90 पॉइंट लग जाते हैं, यानी कि हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता प्ले करने का। ओके भाई ए डिस्कार्ड किया, यानी कि हमने 7 डिस्कार्ड किया था, इस वजह से बंदे ने ए डिस्कार्ड किया, और हमारे पास देखो डायमंड 8 आया, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं।
क्योंकि हमको नीड नहीं है इसकी। वैसे यहाँ पे काफ़ी टर्न हो चुके हैं, आई थिंक बंदे ज़्यादा पॉइंट से लॉस नहीं होंगे अगर डिक्लेयर हुआ तो। वैसे हम चाहते हैं हमारी एक सेट या फिर सीक्वेंस रेंज हो जाए कैसे भी करके, लेकिन भाई सिक्स ये बंदा डिस्कार्ड करता है और ये पिक कर लेता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। खैर कोई नहीं गाइस, हमारे 14 पॉइंट लग के हो चुके हैं 70 पॉइंट। और इस बंदे ने देखो क्या ही किया था भाई, सेट रहे कर रहा था ये बंदा सेवन का। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इस बार गाइस हमारे पास ओनली प्योर सिक्वेंस ही है, हम ड्रॉ भी करेंगे। देखो गाइस इस बंदे ने सेवन के साथ ओनली फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस रही की थी। ओके भाई इस बार तो अगेन 76 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है भाई। कोई नहीं, हम करते हैं इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं दोनों में से कौन डिक्लेयर कर पाता। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे जो है ना 81 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइस जो राइट प्लेयर होता है ना, ये बंदा 19 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे यहाँ पे ये दोनों बंदे ना स्प्लिट पैक क्वेस्ट सेंड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमको चाहिए फर्स्ट प्राइज। अब या तो ये विन करेंगे या फिर हम विन करेंगे, सो बस देखते जाओ। आपको पता ही है कि विन तो हम ही करने वाले हैं, लेकिन विन कैसे करते हैं ये थोड़ा देख के जाओ। ओ भाई साहब अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। गाइस कार्ड देखो हमारे पास, मतलब हमको ओनली सिंगल कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। ओके भाई, लेकिन ये बंदा देखो कितना गंदा कार्ड डिस्कार्ड करता है, एस डिस्कार्ड कर रहा है भाई। बट कोई नहीं, हम भी क्लोडे से कार्ड पिक करेंगे। ओके डैम्ड एट है, सो इसी को डिस्कार्ड कर दें या फिर टू। नहीं नहीं नहीं, हम क्वीन डिस्कार्ड करेंगे, लेकिन ये बंदा क्वीन को पिक कर लेता है। अब हमारे पास डबल थी और देखो भाई नाइन ही ये बंदा डिस्कार्ड कर रहा है और इसने पिक कर लिया। ओ भाई साहब टेन डिस्कार्ड कर रहा है। एंड गाइज हमारे पास फाइनली हर्ड फोर आ जाता है, सो टू सा करते हैं डिक्लेयर इसी के साथ फिनिश। एंड गाइज ये जो बंदे ना दोनों इजी एलिमेंट हो जाते हैं और हम इस बैट को इजी विनर बन चुके हैं। सो अगर गाइज आपको गेम प्ले अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। ओके बाय, लव यू गाइज। और इस बंदे ने देखो क्वीन के साथ प्योर सिक्वेंस रैंक कर ली थी।